ऋषिकेश में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री विजय सरस्वत ने एम्स ऋषिकेश पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि कोरोना काल में एम्स में कई सामानों की खरीद में बड़ा घोटाला किया गया है। सरस्वत ने केंद्र सरकार से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसी के साथ ही चेतावनी भी दी है कि सरकार नहीं सुनती तो वो कानून का सहारा लेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ घोटाले को उजागर करने के लिए सड़क पर उतरने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश महामंत्री विजय सरस्वत ने तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ हरिद्वार रोड स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के उपक्रम एम्स ऋषिकेश पर कई सवाल खड़े किए हैं। तो सामानों की खरीद में बड़ा घोटाला कह रहे हैं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री की, बड़ा घोटाला हुआ है कोरोना के समय में। ऐसे में उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही साथ कहा है कि सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सरकार कोई सुनवाई नहीं करती, कार्रवाई नहीं करती, तो फिर हम कानून का सहारा भी ले सकते हैं और हम धरना देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ऋषिकेश का ये पूरा मामला जहाँ पर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री विजय सरस्वत ने ऋषिकेश पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारा दिल बहुत बड़ा है, कोई व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते कि उस क्षेत्र की उन्हें कोई सेवा की हो, वहाँ उसका आना जाना, लोगों से संपर्क हो और कोई अनुशासनहीनता के दायरे में व्यक्ति ना हो। क्योंकि हमारा क्या है कि टिकाऊ और जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। तो इस समय में जब राहुल जी वहाँ से देख रहे हैं और देवेंद्र यादव प्रभारी जी स्क्रीनिंग कमेटी बनी है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने सदैव कहा है कि व्यक्ति बड़ा नहीं है, पार्टी बड़ी है। और किसी व्यक्ति के वजूद से पार्टी का वजूद नहीं है, पार्टी के वजूद से व्यक्ति का वजूद है। तो अगर पूर्व में कुछ ऐसा हुआ है कि मेरा गधा तेरे घोड़े से अच्छा है, तो वो अब नहीं होना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी संजय मेरे साथ ऋषिकेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? ऋषिकेश में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं ऋषिकेश पर। अच्छा, यहाँ पर जो एम्स है, उस एम्स में जो वहाँ पर खरीद फरोख्त में जितनी भी धांधलियाँ हुई है उसके खिलाफ कांग्रेस ने एक मोर्चा खोला है और उस मोर्चे पे सरकार को घेरने की कोशिश करी है। और जितना भी यहाँ पर एम्स प्रशासन है वो इस विषय पे कोई भी प्रतिक्रिया करने को तैयार नहीं है। साथ ही जो घोटाले हुए हैं उन घोटालों की कोई भी सफाई उन्होंने नहीं दी है। इसी को लेकर कांग्रेस ने एक जो है मोर्चा खोला है और उस मोर्चे पर जो विशेष शासक है प्रदेश कांग्रेस के महासचिव, उन्होंने कहा संजय किस तरह के आरोप यहाँ लग रहे हैं और इन आरोपों को लेकर सरकार का क्या कुछ कहना है? सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के उसमें आता है अंदर में और वो केंद्र सरकार का तो खैर अभी कुछ बयान ही नहीं है। लेकिन यहाँ जो इनका लोकल प्रशासन है उसने भी अभी तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। बिल्कुल, और यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर सरकार सुनवाई नहीं करती तो हम कानून का सहारा लेंगे। आगे क्या रणनीति तैयार की है कांग्रेस ने? हाँ जी, वो कह रहे हैं कि अगर ये हमें जल्द से जल्द जो कागज है, जो इनके गरीब की जो इनकी कागज है वो हमें मुहैया नहीं कराए, उनकी जांच नहीं हुई, तो हम कोर्ट में इसके खिलाफ जो है एक याचिका दायर करेंगे जिसमें इनकी जांच होगी और उस जांच में जो भी होगा सामने आ जाएगा। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ऋषिकेश का एक पूरा मामला है जहां पर कांग्रेस ने एम्स ऋषिकेश पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही साथ कहा है कि कोरोना काल में एम्स ऋषिकेश में बड़े घोटाले हुए हैं, सामानों में घोटाला हुआ है जिसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से। साथ ही साथ ये कहा है कि अगर सरकार सुनवाई नहीं करते तो हम कानून का सहारा भी लेंगे और धरना देने से भी पीछे नहीं हटेंगे।